कराची के एहतसाब अदालत ने शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ गैर कानूनी भर्तियों का रेफरेंस खत्म कर दिया है। अदालत ने नैब की पीएसओ गैर कानूनी भर्तियों का रेफरेंस वापस भिजवाने की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। अदालत का रेफरेंस चेयरमैन नैब को वापस भिजवाने का हुक्म। कराची के एहतसाब अदालत ने शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ गैर कानूनी भर्तियों का रेफरेंस खत्म कर दिया है। हमने ये सब तमाशे लगाए हैं, जितनी जल्दी नैब को खत्म करने वाला मुल्क चलना नहीं है, ये बड़ी वाजे सी बात। तो मैं यही कह रहा हूँ कि अगर आप यही इस तरह के मामलात इन इदारों को इस्तेमाल करेंगे अपने मकासद के लिए तो मुल्क नहीं चलते। ये तबाही होती है सियासी निज़ाम की भी, लोगों की ज़िंदगी की भी, और अदालत के ऊपर बहुत से सवाल उठते हैं। जो सियासी जमात आइन पर यकीन रखेगी, हम उसके साथ। कराची के एहतसाब अदालत ने शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ गैर कानूनी भर्तियों का रेफरेंस खत्म कर दिया है। अदालत ने नैब की पीएसओ गैर कानूनी भर्तियों का रेफरेंस वापस भिजवाने की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। अदालत का रेफरेंस चेयरमैन नैब को वापस भिजवाने का हुक्म। कराची के एहतसाब अदालत ने शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ गैर कानूनी भर्तियों का रेफरेंस खत्म कर दिया है। हमने ये सब तमाशे लगाए हैं, तो जितनी जल्दी नैब को खत्म करने वाला मुल्क चलना नहीं है, ये बड़ी वाजे सी बात। तो मैं यही कह रहा हूँ कि अगर आप यही इस तरह के मामलात इन इदारों को इस्तेमाल करेंगे अपने मकासद के लिए तो मुल्क नहीं चलते। ये तबाही होती है सियासी निज़ाम की भी, लोगों की ज़िंदगी की भी, और अदालत के ऊपर बहुत से सवाल उठते हैं। जो सियासी जमात आइन पर यकीन रखेगी, हम उसके साथ हैं।